हेलो गाइस, और सब बढ़िया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है सेल्स मैनेजमेंट। अब तक हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ चुके हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट कर लिया। अब सेल्स मैनेजमेंट में चलते हैं, जो कि इस वाले सेमेस्टर का एक और मेजर सब्जेक्ट है। सेल्स मैनेजमेंट, जैसे कि नाम से ही पता लग गया, ये सेल्स से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है कि कैसे एक कंपनी अपनी सेल्स वगैरह को मैनेज करती है, सेल्स बढ़ाती है, उसमें कैसे एम्प्लॉयज़ को रखेगी, कैसे लाएगी, कैसे उनको मोटिवेट करके लेगी, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, सारी चीज़ें वो सब हम लोग इस वाले सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सेल्स मैनेजमेंट में आज हम लोग सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। जैसा कि मैं हर सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में बोलता हूँ, जो पहला यूनिट होता है वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होगा, क्योंकि बेसिकली वो आगे पूरे सब्जेक्ट का हम लोगों को ओवरव्यू बताता है। अगर पहला यूनिट भी कर लिया जाए तो एटलीस्ट हम लोगों का इंटायर सिलेबस का 30-40% कवर हो जाता है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेल्स मैनेजमेंट का। इंट्रो में उसका मीनिंग आ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगा वगैरह। उसके बाद हम चलेंगे इसके इवोल्यूशन पे, कहाँ से आया, पहले हम किसको सेल्स मैनेजमेंट मानते थे, अब किसको मानते हैं, क्या चेंजेस आ गए। उसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स के अलावा आएंगे फंक्शंस। हम करेंगे सेल्स मैनेजमेंट का मॉडल, छोटा सा ही है, ऑल्दो इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आया, बट आसान से पढ़ लेंगे तो आसान लगेगा सब्जेक्ट, वो लोग भी कर लेंगे। और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। ये सब्जेक्ट को भी जनरल सब्जेक्ट की तरह लेके चलेंगे, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलेंगे ना, उतना आसान रहता है। मैं कोई भी वीडियो में यहाँ पे थ्योरेटिकल लैंग्वेज के लिए नहीं फोर्स करूँगा, क्योंकि वो याद भी नहीं रहेगी, लाइक एग्जामों से कन्फ्यूजन होगा। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सेल्स मैनेजमेंट के। ये डेफिनेशन एमा ने दी थी, यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन बोलता है, सेल्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग, इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग एंड मोटिवेटिंग As these tasks apply to sales force, ultimately कैसे मैं अपनी sales force को manage करता हूँ, कैसे recruit करता हूँ, कैसे उनको मैं task divide करता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरी sales management के अंदर आ जाती है। आसान शब्दों में अगर हम लोग लिखेंगे तो बोलेंगे ऐसे, means performing selling activities and managing the sales force। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि बहुत important topic है, जो कि है evolution of sales management या sales function। देखो, सेल्स मैनेजमेंट तो हमने समझ लिया क्या है आज के टाइम में, बट जो बिजनेस है टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। पहले बिजनेस का मतलब कुछ और होता था, आज बिजनेस का मतलब उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन आ गई। जैसे पहले का बिजनेस क्या था, पहले का बिजनेस कभी भी कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होता था। पहले का बिजनेस होता था कि लाइक मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स थे, द कंज्यूमर वॉज सपोज टू बाय देम एंड वी वर इजीली एबल टू सेल देम। बट आज का जो मार्केट है, आज का जो बिजनेस है, वो सारा कस्टमर ओरिएंटेड है। अगर मैं अपने बिजनेस को कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं करूँगा तो मेरा बिजनेस कामयाब हो ही नहीं सकता। उसके काफ़ी सारे रीजंस हो गए, जैसे कि मेरा कस्टमर आज ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा अवेयर है, अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं। वैसे ही जो सेल्स है, सेल्स फंक्शन पहले अलग था, आज की डेट में अलग है। पहले सेल्स फंक्शन सिर्फ सेल्स फंक्शन का मतलब सेल से होता था, बट आज की डेट में सेल्स फंक्शन सिर्फ सेल से कॉन्सेंट्रेट नहीं है, बट उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि हम सारा एवोल्यूशन में अब देखते हैं। ठीक है, सेल्स का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। पहले के ज़माने में ही, यानी कि मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊँ, जैसे कि मैंने बताया था, मेरे इतना ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड वगैरह नहीं होता था, तब सेल्स फंक्शन का काम सिर्फ सेलिंग का होता था। अर्लियर क्या है, सेल्स फंक्शन मेरा सिर्फ सेलिंग पे कॉन्सेंट्रेटेड है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, बाकी चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं दे रहा। बट नाउ इसमें एक्सपेंशन ऑफ मार्केट आ जाता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन आ जाता है, कंज्यूमर को जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करूँगा अल्टीमेटली उतनी सेल आएगी। ठीक है, उसके अलावा कम्युनिकेशन आ जाता है, मैं कैसे कम्युनिकेट करता हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें अब मैं सिर्फ सेल्स फोर्स को मैनेज नहीं करता, बल्कि इसमें मेरा एडवर्टाइजिंग फंक्शन आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग कैसे चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, एडवर्टाइज की मेरी जो टीम है वो कैसे परफॉर्म कर रही है,
वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हुआ चलूँगा। उसके अलावा मेरा फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगा, उसके अलावा जो फीडबैक वगैरह है वो चीज़ें भी मैं ले चलूँगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो चीज़ पहले बस मेरे बेचने तक सीमित थी, अब वो काफ़ी बढ़ गई है, उसका जो एरिया या बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अब अगले टॉपिक पर, जो कि है मॉडल ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। मॉडल ऐसे होता है, सबसे पहले आता है कि लाइक हम पर्सनल सेलिंग फंक्शन को सबसे पहले डिस्क्राइब कर देते हैं। अल्टीमेटली हमने किया कि कौन कौन सी सेल्स प्रोसेसेस वगैरह मेरी सेलिंग में इन्वॉल्व होगी, उन सबको मैंने डिस्क्राइब कर लिया, मेरे को क्या क्या जॉब्स वगैरह रखने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, वो सारी। उसके बाद आया मैं स्ट्रैटेजिक रोल पे। स्ट्रैटेजिक मेरा क्या होता है, स्ट्रैटेजी बेसिकली मेरे को हेल्प करती है एक तरह से प्लान आउट करने में, जिससे मैं अपने गोल को बेस्ट वे में अचीव कर लूँ। सेम काम मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जिससे अपने रिसोर्सेज के साथ जो भी मेरा सेलिंग फंक्शन का टारगेट है उसको मैं अचीव कर लूँ। उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग पे। बेस्ड ऑन द स्ट्रैटेजी मैं चीज़ों को डिज़ाइन करूँगा, ठीक है, डिज़ाइन कर लिया। डिज़ाइन के बाद डेवलपिंग द सेल्स फोर्स, इसमें बेसिकली मैं रिक्रूट कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली कौन होंगे जो बेसिकली जाके इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने अब एक बार ले लिया, अब मेरा इम्प्लीमेंट का काम आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट किया सेल्स फोर्स को कि जाके भाई आगे आप काम करो, अनलाइक फर्दर मैं उनकी इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस को मेजर करूँगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर मॉडल के बाद, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस सेल्स मैनेजमेंट के। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, बहुत आसान सी ये चीज़ तो लाइक हम लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया तो भी समझ आओगे क्या होगा, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूँ, मार्केट को एक्सपैंड करूं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं, ये सारी चीज़ें। तो बस वही लिखना है। सबसे पहला अचीव मैक्सिमम सेल्स, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मार्केट एक्सपेंशन, भाई मैं कस्टमर को अवेयर कर रहा हूँ, सेलिंग एफर्ट डाल रहा हूँ तो अल्टीमेटली नए मार्केट्स को भी टैप करूँगा, नए मार्केट्स को टैप करूँगा तो मार्केट एक्सपेंशन अपने आप हो जाएगी। एंटरप्राइज ग्रोथ, भाई अब जब मेरी को अच्छी खासी सेल्स मिल रही है, प्रॉफिट मिल रहा है, मार्केट एक्सपैंड कर रहा हूँ तो मेरी एंटरप्राइज की अपने आप ग्रोथ होती चली जाएगी। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बाद चलेंगे फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स मैं हर जगह बोलता हूँ मोर और लेस सेम ही होते हैं, जो मेरे ऑब्जेक्टिव है वही मेरे फंक्शंस हैं, जस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मैं फंक्शंस में चला जाऊँगा, फंक्शंस जैसे कि अगर सेल एग्जीक्यूटिव के आ जाए या फिर सेल्स मैनेजमेंट के आ जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक तो वही हो जाएगा, सेल्स मैक्सिमम रखो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, मार्केट का एक्सपेंशन करो, एंटरप्राइज की ग्रोथ, तो वो सारी चीज़ें। अब हम लोग इसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है फंक्शंस ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। ऑल दो मैंने लाइक जितने पेपर्स वगैरह देखे हैं CCS के या IP के, उनमें जनरली मैंने क्वेश्चन मिला नहीं मेरे को कभी, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा जनरल हो जाते हैं, बट फिर भी क्योंकि सिलेबस में ये अलग से टॉपिक में दिया हुआ है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये 3, 7.5 या 15 में भी आ जाए तो कैसे लिखते हैं, अगर 15 में आ जाए तो सेल्स एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले सेल्स मैनेजमेंट को डिफाइन करते रहना, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव बता देना बेसिकली होते क्या, ये वो लोग हैं जो अल्टीमेटली सेल्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनके फंक्शंस दो तरीक़ों से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक तो आता है ऑपरेशन फंक्शंस और दूसरा होता है प्लानिंग फंक्शन। इनको बेसिकली यहाँ पे हम पहले डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ आ गई ना आगे का अपने आप लिख लेंगे। ऑपरेशन मतलब डेली जो इनके डे टू डे वर्क वगैरह जिसमें बेसिकली ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑपरेशंस में यूज़ कर रहे हैं, वो सारा आ जाएगा। और प्लानिंग में कैसे प्लानिंग बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कैसे गोल्स को अचीव किया जाए, वो सारा प्लानिंग में आ जाएगा, जो ज़्यादातर टॉप मैनेजमेंट वगैरह के साथ कंसर्न होता है। और जो ऑपरेशंस है वो हमेशा मेरे लोअर मैनेजमेंट के साथ होते हैं। ऑपरेशन में क्या होगा कि लाइक जितने भी मेरे ऊपर से स्ट्रैटेजीज वगैरह बन के आए उन सब का इम्प्लीमेंटेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्स प्रोग्राम, सेल्स को मैं मैक्सिमाइज कर पाऊँ, जो भी मेरे गोल्स वगैरह टॉप मैनेजमेंट सेट करे उनको मैं अचीव कर पाऊँ और उनको हेल्प कर पाऊँ, उसके अलावा उनको फीडबैक दूँ चीज़ें कैसे चल रही है। प्लानिंग में मैं गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को सेट करूँगा, इनकेस मेरे पास कोई सेल गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, आगे के टारगेट्स लेके चलना, वो सारी चीज़ें प्लानिंग में आ जाती हैं। इसके साथ हम लोगों का यही फर्स्ट यूनिट यहाँ पे फिनिश होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हम लोगों को कमेंट में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड डू कीप फॉलोइंग अस, कीप सपोर्टिंग अस जितना हो सके। एंड अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, लाइक कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, पूछो, डाउट अपने तक मत रखना। उसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए मेरी साइड से तो डोंट हेजिटेट
व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मेरा नंबर भी मिल जाएगा कोई डाउट वगैरह। उसके अलावा एग्जाम्स में लाइव सेशंस करेंगे, उसके अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब करो।